हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट एंड न्यू व्लॉग। दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग, दिस माय विलेज वेरी ब्यूटीफुल। सो सबसे पहले आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, तो और वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो हम आपको आज अपना गांव दिखाने चले हैं, तो चले देखते हैं आपको। भाइयों, हमने आपको अपने गांव का एक नज़ारा दिखाया, हमें उम्मीद है कि आपको ये नज़ारा यकीनन पसंद आया होगा जी। तो हम आपका अपना गांव आगे दिखाते हैं आज। तो भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में ज़्यादातर पैदावार माल्टे की है, और माल्टा बाहर के मुल्कों में ज़्यादातर पसंद किया जाता है, और अब माल्टे की पैदावार लगनी शुरू हो गई है। जैसा कि ये देखें कि माल्टा अब पैदावार में इजाफा हो रहा है, तो आप भी हम चाहते थे कि हम अपने नाजरीन को इन बागात का नज़ारा भी करवाएं, तो आप एक नज़र डालें और यकीनन आप पसंद करेंगे। देखें, हमारे गांव बहुत खूबसूरत है, और ये बागात हमारे गांव की जीनत है, तो हमने सोचा कि आपको दिखा दें। तो हम आपको दिखाते चलते हैं कि इस बार माल्टे की पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई है। हालांकि पाकिस्तान में, पंजाब में सबसे ज़्यादा माल्टा आता है और जाता भी है। साथ ही जो अमरूदों के दरख्त का नज़ारा करवाते हैं कि इस बार फल इन पर थोड़ा लगा है, किस वजह से कि इस बार गर्मी की शिद्दत की वजह से फल थोड़ा लगा है, और ये ज़रूरी नहीं कि फल थोड़ा लगा है, लेकिन और भी दरख्त ऐसे हैं कि जिन पर फल ज़्यादा लगा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो गाँव में दरख्त की हरियाली में ज़्यादातर इजाफा होने से पानी के जरिए होता है, जैसे लगाया जाए तो दरख्तों के नोचन माह में कमी रहती है, नोचन माह में कमी रहती है। इसी तरह हमें भी ज़रूरी है कि अमरूदों को खाना चाहिए, इससे भूख ज़्यादा लगती है, ये हम आपको बताना ज़रूरी समझते हैं। ये आप हमारे दोस्त और भाई हैं, यकीनन आप इस पर अमल करेंगे। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड होगी, और हमको अपनी दुआओं में याद रखना।